नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बायसेप सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 18 फरवरी 2019 के लिए मैंने निफ्टी इक्विटी काउंटर्स का बाय लेवल सेल लेवल दिखाऊंगा। और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, NR4 NR7 और कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पर देता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर ट्रेड करने का। और बहुत सारे स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है, आर्बिट्रेज, पेयर ट्रेडिंग, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स और ऑप्शन में ऑप्शन का बारे में बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है। आप लोग मेरा वेबसाइट भी विजिट कर सकता है, उसमें यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, उसमें भी आप लोग को बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस। तो इसमें आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो ये स्क्रीनिंग ये फाइल में क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, उसका वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो अब आप लोग को वीडियो समझ में आएगा, इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस भी जरूर देखिएगा। तो क्योंकि लाइव आज का जो व्यू देता हूँ और नेक्स्ट डे में मैंने दिखाया था कैसे परफॉर्म किया, कैसे एंट्री ले सकता है, वो भी आप लोग को देखना है। तो इसका इफेक्टिवनेस आप लोग को मिल जाएगा। और इसमें मैंने मेरा पेड सर्विस और ग्रुप पे फिर पूरा फाइल शेयर करता हूँ, तो उसमें ज्वाइन होने का लिंक भी लिया जाएगा। इसमें सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा जरूर। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। तो देखिए बाय लेवल सेल लेवल तीनों सेट ऑफ बाय लेवल सेल लेवल दिखाता हूँ। और इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स का स्क्रीनिंग करना है। और इसमें बाय सेल लेवल 3 अलग से होना है और एक फाइल वो भी मैंने शेयर करता हूँ। इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का दोनों साइड में बाय सेल लेवल रखा है, क्योंकि जब ये सब चीज़ आप लोग जरा वीडियो में देख लीजिएगा तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा। अभी बोलूँगा तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा नहीं पाऊँगा। तो देखिए बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बढ़ा था और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डायरेक्ट तरफ रहता है। और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बढ़ा था और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डायरेक्ट तरफ। और इसमें आप लोग को मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे है वो देख लेना पड़ेगा, उसका हिसाब से आप लोग को टारगेट स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, आप लोग को देख लेना है। 1845 के ऊपर ओपन होगा तो 1856 के लिए देखना है, ऐसे करके आप लोग ट्रेड लेंगे। आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसके बाद बाय सेल लेवल 2 आएगा, ये है बाय सेल लेवल 2। आप लोग को कुछ भी जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करता है और जो फाइल वीडियोस देखता है उसमें ये फाइल के बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो जरा जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो आप लोग को समझ में मतलब समझने के लिए मेरा अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आप लोग को समझ में आने से आप लोग को ये काम पे आएगा। ये है बाय सेल लेवल 3, इसका R1 मतलब बाय का एंट्री लेवल है और S1 बाय सेल का एंट्री लेवल है। इसके बाद स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप लोग रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और कौन सा पोजीशन पे है वो भी देख आप लोग देख सकता है। बोलिंजर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, प्राइस चैनल का वैल्यू नोट कर सकता है और टीनल लेवल का टॉप लाइन मिडिल लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है, क्योंकि ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा, ये देखने से आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी को लाइव मार्केट में मॉनिटर करने का बहुत ही सुविधा हो जाएगा। इसमें भी बाय लेवल सेल लेवल 1, 2 और 3 दिखाऊंगा, आप लोग कोई भी फॉलो कर सकता है। बाय सेल लेवल 2 और यह है बाय सेल लेवल 3 और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस होने ये बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल
और फ्यूचर का भी खतरा है, और टॉप लाइन मिड लाइन और बॉटम लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है। और कमोडिटी का भी खतरा हो, ये भी आप लोग देख सकते हैं, कमोडिटी में भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट देता है ये। मैं जब प्राइस लेवल आता है बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी के साथ काम करता है। इसका भी तीनों लेवल पिवट पॉइंट और बोलिंजर बैंड, हम लोग पिवट पॉइंट के भी ऊपर काम कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद और भी कुछ बाकी रह गया कमोडिटी का, कमोडिटी को देखना पड़ेगा हम लोग को। लेवल 1 2 3 इसके बाद फ्यूचर्स का बाई लेवल सेल लेवल 1 दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने 100 डे मूवेबल इसका स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। 100 डे मूवेबल इसका स्ट्रेटेजी है कि 100 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज आज जिस जिस कैंडल को काट किया है आज का डेली कैंडल को, तो वो का हाई लो जब ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट देगा। तो देखिए इधर ऑरो फार्मा में काट किया है, इसमें हम लोग को चार्ट में भी दिखा देता हूँ। और इसमें जो कैलकुलेशन होता है ये डिफरेंट है, ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होता है और मैं मतलब एवरेज के ऊपर देता हूँ, तो इसीलिए बीच में थोड़ा डिफरेंस रहता है। देखिए इसमें काट किया है वायर ऑटो को, इसका हाई लो जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। बजाज ऑटो इसमें देखिए बॉस लिमिटेड, इसमें ब्रिटानिया थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। सेंचुरी टेक्स टैक्स भी नीचे काट के नहीं है, ग्लेन मार्क को देख लेते हैं। अब लोग जो नीचे से जाता है कि ऊपर से चला जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब लोग देख सकते हैं। अच्छा इसके बाद मैंने इनसाइड द वर्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इनर 4 इनर 7 दिखाऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न इन्फॉर्मेशन भी देखने के लिए ज़्यादा है, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम है इसीलिए। देखिए अदानी एंड में 1 डे का हिसाब से इनसाइड द बार बना है और इनर 4 भी हुआ है। इनसाइड द बार अदानी एंड में देखना पड़ेगा, देखिए अदानी एंड इनसाइड द बार है, मतलब ये अगला दिन का जो कैंडल है ये आज का कैंडल अगले दिन का कैंडल का अंदर रह गया और इसका हाई लो ब्रेक नहीं हो पाया, तो ये है इनसाइड द बार। 1 डे का हिसाब से इनसाइड, 2 डे का इनसाइड द बार और दिखाता हूँ, जो मिलेगा तो दिखाऊंगा जरूर। और इनर 4 है के ये इसका आज का जो हाई लो का डिफरेंस है, ये लास्ट 3 डेज का जो हाई लो का डिफरेंस है आज का सबसे कम है, तो इसीलिए इनर 4 दिखा रहा है। और आप लोग कोई भी कैंडल आज का कैंडल या 1 डे का कैंडल अगले दिन का कैंडल ब्रेक होने के बाद आप लोग ट्रेड ले सकता है। अपोलो हॉस्पिटल में भी बना है, मैंने देखता हूँ 2 दिन में कुछ बना है कि नहीं, तो इस और ये 2 दिन में होना है विप्रो का। तो आप लोग को इंसेंट डबार एनआर 4 एनआर 7 सभी एक साथ वाला, देखिए 2 दिन के हिसाब से ये जो आज ये दो कैंडल जो है इसका, ये जो कैंडल है अगला दिन 2 दिन पहले का जो कैंडल है, तो ये इसका अंदर ये दोनों कैंडल रह गया, तो इसीलिए ए इसको 2 डेज का हिसाब से इनर 4 इनर 7 जब ये कैंडल ब्रेक होगा, इसका हाई लो ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो देखता हूँ और भी कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, बहुत सारा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, सभी में दिखाने का टाइम नहीं होता है, तो कुछ दिखाने का कोशिश करूँगा जितना टाइम के अंदर मेरा आता है। ये देखिए लोअर हाई लोअर लॉस बना है ACC में। ये सब